नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनिंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। और आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो खबर है कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आज़ाद। सुबह से ही सुर्खियों में छाए हुए हैं अपना इस्तीफा दे करके। राहुल को पार्टी के लिए आरोपित करके कि उनकी वजह से पूरी पार्टी जो है बर्बाद हो गई है, ब्ला ब्ला। दोस्तों, ये जो मैंने आपसे शेयर किया है ये तो एक बात है, लेकिन अब इतने वरिष्ठ नेता करेंगे क्या, मैं आपको ये बताने वाली हूँ। आप पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। और एक बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। तो मैं बात कर रही थी गुलाम नबी आज़ाद साहब की कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और आज़ाद हो गए हैं। अब दोस्तों, जब कोई बड़ा आदमी किसी संस्था से अपने आप को अलग करता है तो ऐसा नहीं है कि वो खाली बैठेगा। वो उसमें जो उसने जो सीखा है अपने जीवन में, उसने जो भी कुछ सीखा है, पार्टी से जो भी सीखा है, उसका वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेगा। मैं आपको बता दूं कि आज़ाद साहब जो हैं, गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने सबसे पहले अपना इस्तीफा जम्मू कश्मीर के प्रोफाइल से दिया था, लेकिन अब सबसे पहले वो वहीं पहुंचेंगे और वो जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले इस इलाके में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के इच्छुक हैं। गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद घाटी में और भी कई कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अब अपना अगला जो सफ़र है जम्मू कश्मीर से शुरू करने वाले हैं, और अगर उन्हें अपना सफ़र दिल्ली से शुरू करना होता तो जैसा कि आज एक पूरा दिन एक फ़ोटो भी ट्रेंड करती रही, जिसमें उस दिन का फोटो है जिस दिन वो रिटायर होते हैं और उनके लिए अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही भावुक मैसेज उनके लिए किया था। वो इसलिए ट्रेंड हो रही थी कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन जो सीन बन रहा है वो अपना जो अपनी सेकंड पारी है वो जम्मू कश्मीर से शुरू करने के इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। वहाँ से पूर्व विधायक जी एम सरोरी, हाजी अब्दुल राशिद, मोहम्मद अमीन भट्ट, गुलजार अहमद वानी और चौधरी मोहम्मद अकरम ने गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब इन इस्तीफों के बहुत बड़े मायने हैं। उन्होंने अपने साथी को सपोर्ट किया है, लेकिन ये जो एक पूरा छोटा सा कुनबा है, ये अगर कुछ करता है तो ये फिर जम्मू कश्मीर से ही करेगा। इनके अलावा वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री आरएस सिंह ने भी कांग्रेस के से इस्तीफा दे दिया है, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 73 वर्ष के गुलाम नबी आज़ाद ने आज सोनिया गांधी को जो पत्र लिखा वो काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी बातें कहता है कांग्रेस के बारे में। उन्होंने कहा कि अध्यादेश फाड़ना राहुल गांधी का एक बहुत ही इमैच्योर कदम है। साथ ही आज़ाद ने ये भी अपने इस्तीफे में कहा कि उन्होंने अनुभवहीन चापलूसों की मंडली को पार्टी को चलने दिया, अब राहुल गांधी के पीए और सुरक्षाकर्मी फैसला लेते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें पार्टी की जो अंदर चल रही होती हैं वो हमें कभी पता नहीं चलती, लेकिन जब ऐसे घटनाक्रम होते हैं, जैसा कि एक बड़े नेता ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, वो बड़े नेता है आज़ाद साहब, तो अंदर की बातें भी पता चलती हैं कि राहुल गांधी खुद कोई निर्णय नहीं लेते हैं, निर्णय लेते हैं उनके पीए और उनके सुरक्षाकर्मी। गुलाम नबी आज़ाद ने सोनिया गांधी को अपने त्याग पत्र में कहा है कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी के राजनीति में प्रवेश के बाद और विशेष रूप से जनवरी 2013 के बाद, जब उन्हें
अपने वीपी के रूप में नियुक्त किया तो उनके द्वारा पहले से मौजूद पूरे परामर्श तंत्र को ध्वस्त कर दिया गया। कांग्रेस ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद करार दिया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि आजाद ने पार्टी को धोखा दिया है और उनका रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। अब आप पार्टी का माइंडसेट देखिए, उन्हें क्या लग रहा है। उन्हें ये लग रहा है कि आजाद होकर के गुलाम नबी आजाद जो है सीधे नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को आजाद पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि जीएनए यानी कि गुलाम नबी आजाद का डीएनए मोदी में हो गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ऐसे समय में एक कदम उठाया है जब कांग्रेस महंगाई बेरोजगारी ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रही है और त्यागपत्र में कही गई बातें तथ्यपरक नहीं है, इसका समय भी ठीक नहीं है। मतलब अगर कोई पार्टी को छोड़ रहा है तो वो उसके लिए सही समय का इंतजार करे, ये वो कहना चाह रहे हैं जयराम रमेश। तो दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को इतने सालों से महंगाई बेरोजगारी ध्रुवीकरण दिखाई नहीं दे रहा था, अब अचानक से आजाद के त्यागपत्र से उन्हें ये बातें याद आ रही हैं कि हम ये सब अभियान चला रहे हैं, इस समय त्यागपत्र देने का क्या मतलब है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्यसभा सदस्य आजाद कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक थे, कोई दोराय नहीं है, और जम्मू कश्मीर में पार्टी का एक चेहरा थे और उन गिने चुने नेताओं में शामिल हैं जिन्हें पूरे विपक्ष से सम्मान मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा विदाई के दौरान भावुक हो गए थे और नबी आजाद ने बाद में जम्मू कश्मीर में एक भाषण के दौरान अपने प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी की प्रशंसा भी की थी और कहा था कि शीर्ष पद हासिल करने के बाद भी अपनी जड़ों को पीएम नहीं भूले हैं। ये विपक्ष की तरफ से देश के प्रधानमंत्री के लिए टिप्पणी एक बहुत बड़ी बात है। यूं मैं कह सकती हूँ कि ये सच भी है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पीएम ने अपनी जड़ों को कभी अपने से अलग नहीं किया, वो जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं और वो ऐसा समय था, ऐसा मौका था कि वो भावुक हो गए थे। इसी का जिक्र गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में एक सभा में किया। अब दो तस्वीरें बन रही हैं और दो कहिए कि कयास लग रहे हैं। एक तो वो उनकी तस्वीर ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जिसमें वो भावुकता के पल दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा उनके साथियों ने, जम्मू कश्मीर के साथियों ने जिस समय गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी तो उन लोगों ने भी अपने इस्तीफे दे दिए। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वो क्या करने वाले हैं, तो वो अपनी जो सेकंड पारी है वो जम्मू कश्मीर से ही खेलेंगे। वहाँ पे उनके साथियों ने एक इस्तीफा देने की मुहिम भी शुरू कर दी है। अब वो वहाँ पर जाएंगे और जो कांग्रेस से अलग हुए लोग हैं उनको अपने साथ लेंगे, फिर वो सोचेंगे कि उन्हें क्या करना है। उन्हें बीजेपी के साथ जाना है या उन्हें अपनी पार्टी बनानी है। खैर, बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जल्द ही आपको ये पता चल जाएगा दोस्तों कि गुलाम नबी आज़ाद क्या करने वाले हैं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ये राजनीति में सब चलता रहता है, आना जाना, झटका कांग्रेस को लगा है, फायदा किसी और को होगा। तो दोस्तों,
फिर मिलती हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत।